पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भयंकर सर्दी को देखते हुए सरप्रयास वेलफेयर सोसाइटी और सीता रसोई द्वारा तीसरे चरण का निशुल्क रजाई वितरण मिलन विहार में रखा गया। संस्था के महामंत्री उदयभान सिंह ने बताया कि कार्यक्रम संयोजक सुनील शर्मा और सह संयोजक सुधांशु कौशिक ने मीरपुर मिलन विहार वाल्मीकि बस्ती में लोगों के घर घर जाकर उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर जरूरतमंद लोगों को बुलाकर उनको रजाई भेंट की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र और वेद मंत्रों के साथ किया गया। सुनील शर्मा ने बताया कि सरप्रयास और सीता रसोई द्वारा 19 दिसंबर से लगातार जरूरतमंदों को ढूंढकर रजाई दी जा रही थी। संस्था के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि हमारा उद्देश्य जनता को इस भयंकर सर्दी से बचाना है। सुधांशु कौशिक ने बताया कि संस्था के लोग रात्रि में अपनी गाड़ी में रजाई लेकर निकलते हैं और यदि कोई सड़क पर फुटपाथ पर ठंड से ठिठुरते हुए दिखाई देता है तो उसे रजाई दे दी जाती है। महामंत्री उदयभान सिंह ने बताया कि संस्था किसी तरह का कोई सरकारी सहयोग नहीं लेती, सब व्यवस्था सामाजिक सहयोग से होती है। अतिथियों का स्वागत सुनील शर्मा, अनिल सक्सेना, सौरभ शंकर ने किया। मुख्य अतिथि समाज सेवी और व्यवसायी अतुल रस्तोगी ने अपने संबोधन में कहा कि हम संस्था को इस सामाजिक कार्य में हर संभव सहयोग करते रहेंगे। संचालन सुधांशु कौशिक ने किया। आज सरप्रयास वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में जो हम लोग वार्षिक विवाह वितरण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसका आज सन 2021 का शीत ऋतु का तीसरा चरण हम लोगों ने यहाँ पर मिलन विहार दिल्ली रोड पर पूरा किया, जिसमें लगभग 50 से 60 विवाह जरूरतमंदों को बांटे गए। इस प्रकार से हमने आज तीसरा चरण कराया। इससे पहले दो चरण ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हम लोग मिलाकर 450 विवाह वितरित कर चुके हैं। और आज सुनील शर्मा जी हमारे जो संस्था के वरिष्ठ शिक्षक हैं उनके आवास पर आज तीसरा चरण संपन्न किया गया और आगे भी शीत ऋतु में इसी प्रकार से हम लोग विवाह वितरण करते रहेंगे। जहाँ पर भी जरूरतमंद लोग मिलेंगे हमें और जहाँ पर भी हमें पता लगेगा कि कोई जरूरतमंद है जिसको लिए आपकी ज़रूरत है, तो महानगर के सभी गणमान्य लोगों से हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार अभी तक सहयोग रहा है सरप्रयास को, उस प्रकार आगे भी सहयोग करते रहें, जिससे हम लोग आगे भी और जरूरतमंदों को निरंतर सेवा प्रदान करते रहें। आज का जो आयोजन किया गया ये मिलन विहार का क्षेत्र है और मीरपुर और मिलन विहार खुशहालपुर बैंक कॉलोनी, हमारे बड़े भाई आदरणीय सुनील शर्मा जी ने घर घर जा करके लोगों को पात्रों का चयन किया जो जरूरतमंद थे और भाई सुधांशु कौशिक जी कि इसमें निर्देशन में यहाँ पर एकत्रित किया गया, बुला करके लाए जिन जरूरतमंद थे उनको आज यहाँ पर हम लोगों ने तीसरे चरण में आपको वितरण किया गया और आगे भी हमारी अभी जारी है। आगे आने वाला समय जो भी आज का भयंकर ठंड पड़ रही है, आज का जो मौसम है जरूरत से ज़्यादा ठंडा है, तो आगे आने वाले टाइम में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सहयोग हमारे पास आ रहा है उससे हम लिहाज की व्यवस्था करा रहे हैं। सरप्रयास वेलफेयर सोसाइटी, जैसा कि आप जानते हैं इसके नाम से ही महसूस होता है कि सबके प्रयास से होने वाला कार्य, उसी के अनुसार महानगर के गणमान्य लोगों के द्वारा सहायता करी जाती है और निरंतर सरप्रयास वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक माध्यम बनकर संपूर्ण समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको रजाई का वितरण किया जाता है। इसी सरप्रयास वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सीता रसोई का भी आयोजन निरंतर 2.5 से 3 वर्षों से किया जा रहा है। मैं सरप्रयास वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सभी महानगरवासियों से निवेदन करता हूं कि वे इसी प्रकार संस्था का सहयोग करते रहें, जिससे संस्था के सभी पदाधिकारी और संरक्षकगण इस कार्य को सुचारू रूप से चलाते रहें। आज सीता रसोई के माध्यम से तीसरे चरण में लाभ वितरण मिलन विहार में मेरे निवास स्थान पर हुआ है, तो मैं कोशिश यही करी है जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें मिले, आगे भी निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा। कोई अपील करना चाहेंगे समाज के लोग? जरूर समाज से ये कहूँगा जो संपन्न है वो इसमें सहयोग करें, इस अभियान में हमारा और आगे चलता रहे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।